नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, यहाँ एक्सरसाइज 14.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ 14 इंजीनियर्स इन किलोमीटर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस, उनके घर से उनके वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पहले इसका एक क्लास इंटरवल बनाना है। वो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कितने बार हैं ये काउंट करना है और उनका टैली मार्क बनाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर, देखो 5 है 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 0 से 5 स्टार्ट करें और ये 5 का इंटरवल लेते हुए चले जाए। अब इसमें ये देख लें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 32 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 31, आप मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो 32 से हम 35 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, ठीक है ना। ये काम आपने कर लिया, बहुत आसान काम है, कुछ टफ नहीं है। आपने यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल देख लिए कि 5 का डिस्टेंस चल रहा है, तो 5 के गैप पे नंबर आपने लिख लिया और यहाँ इसमें ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन सा नंबर कितना बड़ा है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पास तक चले जाओ, ठीक है। अब देखो 0 से 5, 5 काउंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा, 5 काउंट यहाँ नहीं होगा, 5 इसमें काउंट होगा, ठीक है ना। तो 0 से 5 तक के नंबर, ये नंबर लीजिए 1, इसी तरह से 5 से कम नंबर आप देखते चले जाइए, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है, और 5। 0 से 5 कितने नंबर हो रहे हैं यहाँ पे, 5 नंबर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5, काउंट कर लेते हैं यहाँ पर 1, दोबारा काउंट कर लीजिए 1, 2, यहाँ पर ये गैप हो रहा था, अब हो जाएंगे 5, अब यहाँ पर इसको आप 5 लिख दो, ठीक है ना। इस तरह से नंबर को काउंट करो। अब आप इसको नंबर जब काउंट करोगे तो यहाँ पर 11 आएगा और इसके लिए भी 11 आएगा, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। और कौन से नंबर आ जाएंगे 11 के बाद, फिर यहाँ पे आई थिंक 9 होगा, कितना होगा 9, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ाने की हैबिट में ये क्वेश्चन है कितने बार आए ये रटे हुए हैं, आप इन्हें काउंट करिए। लेकिन याद रखना इस नंबर को काउंट नहीं करना है, 10 को छोड़ना है, 9.9 तक काउंट करना और ये नंबर आगे वाले में काउंट जाएगा, क्योंकि देखो 2 बार होते हैं, ठीक है ना। तो 9 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 होगा और 2 होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं ये टोटल आप कर लीजिए, कितने 40, तो यहाँ पर टोटल काउंट कर लीजिए, 5, 1, 6, 1, 7, 9, 16, 16 and 4, 20, 0 carry 2, 2, 1, 3 and 1, 4, हो गया ना 40। तो ये हमारा लगता है कि मैंने इसको कर लिया। अब 5 के लिए क्या करना होगा, टैली मार्क बना लीजिए, पहले 4 लाइन आप खींच लो और 4 लाइन खींचने के बाद आप क्या करो, इसको एज ए क्रॉस कर दो, ये 5 माना जाता है। आपके पास 1, 2, 3 ये 5 है, 1, 2, 3, 5, 5, 10 हो जाएगा और ये अगला 1, 11 ऐसे हो जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पर 9 के लिए 1, 2, 3, 4 क्रॉस करिए 5 और आगे 1, 2, 3, 4, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 का आप समझते ही हैं कि 1 के लिए 1 ही रहेगा और इसके लिए 2, इस तरह से आप इसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। इन द गिवन टेबल क्लास डू नॉट ओवरलैप, इन द गिवन टेबल द क्लासेस डू नॉट ओवरलैप, यहाँ पे आप लिख दें इन द गिवन क्लासेस, इन द गिवन क्लासेस या गिवन टेबल, सॉरी इन द गिवन टेबल TABL क्लासेस CL क्लासेस डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो वी फाइंड द आवर्स ऑफ द 36 इंजीनियर्स, 36 आउट ऑफ 40, कितने जाएंगे 36 आउट ऑफ 40,
तो यहां पर आपने लिख देना वी फाइंड दैट द हाउसेज, वी फाइंड दैट द हाउसेज 36 आउट ऑफ 40, ये आप यहां पर लिख सकते हो. 40 इंजीनियर्स आर बिलो, 40 इंजीनियर्स आर बिलो, ठीक है ना. ये हमने यहां पर इसका कंक्लूजन लिख दिया. आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. कुछ नहीं करना है, पहले इसके आप क्लास इंटरवल बनाइए, कितनी बार है वो काउंट करिए, बट इस नंबर को काउंट नहीं करेंगे, ना 5 काउंट करेंगे ना 10. 10 काउंट करने के लिए इसमें आएंगे, 15 काउंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 15 काउंट करेंगे. इस तरह से काउंट करते हुए आप फ्रिक्वेंसी को लिखो, फ्रिक्वेंसी को प्लस करके देख लो कि जितना हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या उतना आ रहा है. अगर आ रहा है तो आपका सही है. टैली मार्क बनाने के लिए बहुत आसान काम है. अगर आपका 4 है, 4 तो यहाँ पर तो इस तरह से कर लें, 5 या 5 से अधिक है तो इस तरह के नंबर बनाते हुए 5 माना जाता है. आगे अगर 7 है तो 2 लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे आप कर सकते हो. क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स टू वॉचिंग.